ठीक है, जैसे जैसे प्रतियोगिता आगे बढ़ेगी और टीमें आएंगी, कर जो भी होगा अच्छी बात है, पर 3,500 की संख्या में यदि ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी इस बहाने से यहाँ तक खेल के मैदान तक पहुँचे हैं तो एक बड़ी उपलब्धि है ये भी। और इससे जो एक वातावरण बनता है खेल के मैदान में जो उतरता है वो उसकी मानसिकता बदल जाती है। रोते धोते मानसिकता वाला खेल के मैदान में नहीं उतर सकता, और रोते रोते उतरेगा भी तो खेल के मैदान में जाने के बाद रोना बंद हो जाएगा। रोते हुए यदि उतरेगा तो फिर वो मारवाड़ी में कहावत है, रो तो जावे मुहारी खबर लावे। तो खेल के मैदान में तो वही जीत कर आएगा जो जोश से उतरेगा। खेल का मैदान होता ही इसलिए कि जोश भर जाता है, तासीर ऐसी है खेल के मैदान की। बूढ़ा आदमी भी रामलाल जी भी खेल के मैदान में उतर जाएंगे तो मेरे से भारी बढ़ जाएंगे। खेल के मैदान का प्रभाव होता है, और इसलिए जब इंसान खेल में भाग लेना है ये मानसिकता बनाकर, ये मन बनाकर मैदान में उतरता है तो उसकी मानसिकता एकदम बदल जाती है। उसका दिमाग सोचने का तरीका अलग बदल हो जाता है, उसका काम करने का तरीका अलग हो जाता है, और उसमें पॉजिटिविटी सकारात्मकता बढ़ जाती है, नकारात्मकता समाप्त हो जाती है। उस दृष्टि से ये आयोजन बहुत अच्छा है, सफल है और बहुत उपयोगी है। मैं बधाई देता हूँ राजस्थान सरकार को भी और इसका आयोजन करने वाली सारी अधिकारियों की टीम को कि आपने ये इतनी मेहनत करके इतने गांव-गांव स्तर से इस खिलाड़ियों को यहाँ तक पहुँचाया है। ये बजट घोषणा के अनुपालना में किया जा रहा है ऐसा रामलाल जी ने भी कहा है और सरकार भी कह रही है। बजट में घोषणा और होती रामलाल जी और क्रीड़ा परिषद के सारे सदस्यों को मैं याद दिलाना चाहता हूँ। विधानसभा में घोषणा हुई थी, आपके खेल मंत्री ने और आपके मुख्यमंत्री ने दोनों ने कहा था कि खेल मैदानों के विकास के लिए विधायक मत से जितना पैसा मिलेगा उतना ही पैसा राजस्थान सरकार खेल विभाग अलग से देगा। मैं सबको याद दिलाना चाह रहा हूँ कि इस सायला जिस खेल मैदान में हम बैठे हैं इसमें मेरे मत से, रामलाल जी किस में लगा हो तो होगा तो मुझे पता नहीं, वो ये जाने, पर अभी इस वर्तमान कार्यकाल में मेरे हाथ से 40,00,000 रुपया लग चुका, और इसलिए 40,00,000 रुपया राजस्थान सरकार से आना चाहिए ये अपना अधिकार बन गया, और वो अधिकार प्राप्त करने के लिए पत्र लिखकर मैं दे चुका खेल मंत्री जी को, दिए हुए भी 3-4 महीने हो गए, शायद फरवरी में जब विधानसभा बुलाई थी तब मैंने दे दिया था, अभी तक उस पर स्वीकृति निकली नहीं है। और इसलिए मैं रामलाल जी से भी निवेदन करूंगा और क्रीड़ा परिषद के सारे सदस्यों से निवेदन करूंगा, राजवाड़ी पार्टी के सारे पदाधिकारियों से भी निवेदन करूंगा, अपने मंत्री से बात करिए और वो 40,00,000 रुपया और लाइए तो यहाँ इस मैदान का कायाकल्प हो जाएगा। बहुत सारी काम चीज़ें अभी चाहिए इसमें, और यहाँ एक तो